प्रेजेंट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। इसमें से थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है, कौन सा मतलब ऑप्शन कौन सा सही है। अब तुम्हें थोड़ा सा भी अगर हम लोग पढ़े होंगे तो हम लोगों को याद होगा कि डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट गिवन टू द सिस्टम इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। तो अगर प्रोसेस पहला देखो एडियाबेटिक है तो हीट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो चेंज इन हीट एनर्जी भैया जीरो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ओ वी गॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली अटेम्प्ट में हम लोग को सक्सेस मिल गया, बाकी सारे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला सही आ गया, नहीं तो एक्सप्लेन कर लो। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, इसको ले जाके वहां रखोगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। ये तो ये भी सही नहीं है। एडियाबेटिक में ऊपर वाला सही है, सही नहीं है। आइसोथर्मल के लिए ये सही नहीं है।